हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे और अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 2-3 दिन ही बचे हुए हैं सेल स्टार्ट होने में और आप लोगों के अभी भी काफी सारे क्वेश्चन है, काफी सारे डाउट्स मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। आप में से कई सारे लोगों ने 99 रुपये का जो अर्ली एक्सेस पास था वो परचेस कर लिया है, तो उसमें एक कोड आ रहा है, उसको किस तरीके से यूज करना है। इसके अलावा VIP पास के बारे में, अर्ली एक्सेस में किस तरीके से डील्स को ग्रैब करना है, क्या प्राइजेस आने वाले हैं, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं। इस वीडियो में मैंने पिछले कुछ वीडियोज के कमेंट बॉक्स से काफी सारे के सवाल उठाए जो कि कॉमन सवाल है, आपने काफी बार पूछे हैं, उनके जवाब में देने वाला हूं। और दोस्तों, आज के बाद में अब दिवाली तक डेली हम एक Q&A वीडियो लेकर के आएंगे, तो अगर सेल डील डिस्काउंट से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कल के वीडियो में आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों बिग बिलियन डे और उसके बाद में दशहरा और दिवाली जो भी सेल्स आने वाली है सभी के अंदर मैं आपको बहुत ही शानदार डील्स बताने वाला हूं। और जो सिंगल डील्स दिन में आती है उनके लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेते हैं सबसे पहला सवाल आया है, जो कि दोस्तों मैंने नए क्रेडिट डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करने का एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर कि सर व्हाट इज एक्टिवेट कार्ड, डोंट नो, प्लीज हेल्प। एक्टिवेट कार्ड का मतलब यह है कि जब आपके पास में एक नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनकर के आता है तो उसके अंदर कुछ टाइप के ट्रांजेक्शन बैंक की तरफ से ही ऑलरेडी बंद होते हैं, वो ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते। जैसे कि नए क्रेडिट डेबिट कार्ड को आप यहाँ पर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर उसका पेमेंट करेंगे तो उससे पेमेंट नहीं होगा। और इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें उसके अंदर बंद रहती है। NFC वाला सिस्टम है, NFC भी उसके अंदर बंद रहता है। केवल आपका ATM ट्रांजेक्शन जो है वो केवल उसके अंदर चालू रहता है, उस कार्ड से आप केवल ATM से पैसे निकाल सकते हैं। तो जब भी आपके पास में क्रेडिट कार्ड आता है दो तरीके से आप उनको एक्टिव कर सकते हैं, उनके अंदर जो ट्रांजेक्शन उनको इनेबल कर सकते हैं। एक तो आप बैंक जाकर कर सकते हैं, बैंक में जाकर के अपना कार्ड पासबुक दीजिए, वो सारे ट्रांजेक्शन को इनेबल कर देंगे। और इसके अलावा आपके पास में नेट बैंकिंग है तो उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि नेट बैंकिंग से किस तरीके से करना है। अगला सवाल है यहाँ पर कि भाई आई ट्राई टू सम वे यू हैव टोल्ड ऑर्डर गॉट प्लेस्ड बट द कार्ड इज नॉट स्टिल अनसेव्ड, व्हाट कैन आई डू नाउ। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो कार्ड इन्होंने, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक कार्ड से आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन करने के बाद में जो कार्ड है वो आपका जो है फ्लिपकार्ट के अंदर सेव हो जाएगा ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो इनका कार्ड सेव नहीं हुआ है। ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ में हो रहा है कि आपका कार्ड जो है वहाँ पर सेव नहीं हो रहा है, तो आपने जो ट्रांजेक्शन किया उस ट्रांजेक्शन को आप कैंसिल करो, वो रिफंड उसी कार्ड में वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में। और एक बार और उसे ऑर्डर प्लेस करो तो सेकंड बार जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली वो कार्ड वहाँ पर ऐड हो जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर करके पेमेंट करके उस ऑर्डर को लेना ही है, या तो आप ऐसी चीज़ खरीदो जिसके अंदर रिटर्न पॉलिसी हो तो आप उसे ऑर्डर डिलीवर होने के बाद में वापस से रिटर्न कर देना तो आपको रिफंड आ जाएगा, या फिर आप ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगला सवाल है यहां पर कि नॉर्मल एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में डिस्काउंट में क्या फर्क होता है। तो नॉर्मल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में जो है वो आपको सेल के दौरान डिस्काउंट देखने को मिलते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट का जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको साल भर आप जो भी परचेस करेंगे उसके ऊपर जो है एक्स्ट्रा 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। इसके अलावा नॉर्मली काफी सारी डील्स ऐसी होती है जिन पर केवल फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट मिलता है, और कुछ डील्स होती है जिन पर आपको केवल एक्सिस बैंक वाले नॉर्मल कार्ड पर डिस्काउंट मिलता है, तो ये फर्क होता है दोनों के बीच में। अगला सवाल है यहाँ पर मिस्टर धीरज का, ये पूछते हैं कि अंडर 30,000 बेस्ट स्मार्टफोन, मेरे हिसाब से आईकू नियो 7 प्रो जो कि आपको सेल के दौरान आराम से 30,000 रुपये के नीचे मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। मेरे पास में आईकू नियो 6 है जिससे आप ये वीडियो रिकॉर्ड होते हुए देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो अभी तक मुझे कोई लैग महसूस नहीं हुआ, 1 साल से ऊपर मुझे हो चुका है इस स्मार्टफोन को लिए हुए, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करके दे रहा है। और नियो 7 प्रो के अंदर तो और अच्छा प्रोसेसर है तो आपको उसके अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, एक तरीके से ऑलराउंडर फोन हम इसे कह सकते हैं। अगला सवाल है शीतल का, ये पूछते हैं कि यहाँ पर UPI से डिस्काउंट नहीं होगा क्या। UPI से डिस्काउंट होगा लेकिन केवल उस डील के ऊपर होगा जिसके ऊपर प्रीपेड डिस्काउंट दिया गया है। प्रीपेड में आप किसी भी माध्यम से प्रीपेड पेमेंट करेंगे, डेबिट क्रेडिट UPI या नेट बैंकिंग, उसमें आपको प्रीपेड डिस्काउंट मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड वाला डिस्काउंट आपको UPI से नहीं मिलेगा। अगला सवाल है यहाँ पर मिस्टर निरंजन का, ये पूछते हैं कि TV कौन सी लेनी चाहिए सर, प्लीज़ बताएं। तो TV के बारे में एक वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, शायद मैं हो सकता है कि कल वो वीडियो पब्लिश कर दूं, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको कितने रेजोल्यूशन वाला, कितनी साइज़ का TV आपको लेना चाहिए, और आपके रूम के हिसाब से कौन से साइज़ का TV चाहिए। उसका मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था तो उसका लिंक मैं यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके हॉल या रूम के साइज़ के हिसाब से आपको कितने रेजोल्यूशन वाला और कौन सा TV परचेस करना चाहिए। बाकी इस साल जो बेस्ट TV है उसका वीडियो आने ही वाला है। अगला सवाल है यहाँ पर कि सर जी मैंने अर्ली पास परचेस कर लिया है, उसको एक्टिव कैसे करूँ। तो यहाँ पर जिन्होंने 99 रुपीस वाला अर्ली पास परचेस किया है उनको एक एक्टिवेशन कोड देखने को मिल रहा होगा, तो उस एक्टिवेशन कोड को आपको कहीं भी डाल के एक्टिवेट नहीं करना है, आपका जो अर्ली एक्सेस है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परचेस दिस अर्ली एक्सेस पास, और दूसरा स्टेप है कि यहाँ पर यूर अर्ली एक्सेस विल बी ऑटोमेटिकली इनेबल्ड विद इन 1 आवर ऑफ परचेस, देयर इज नो नीड टू अप्लाई वाउचर कोड एनी एवरीवेयर। आपको कहीं भी वाउचर कोड जो है वो अप्लाई नहीं करना है, केवल उसको सेव करके रखिए।
अगला सवाल है सर, मैंने iPhone 14 Plus का पास लिया है 128GB वेरिएंट, लोएस्ट प्राइस क्या होगा विदाउट एक्सचेंज एंड बैंक कार्ड, टेल मी प्लीज। देखो विदाउट बैंक और विदाउट किसी भी एक्सचेंज के जो प्राइस आया है वो 49,999 रुपीज़ आया है। अब यहाँ पर अगर आप टाइम पर ट्रांजेक्शन कर पाते हैं, आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर लेंगे तो आपको ये प्राइस मिल जाएगा, पर शर्त ये कि आप पहली बार में अगर ऑर्डर को प्लेस करने में सक्सेसफुल हो जाते तो इस प्राइस पॉइंट पर मिल जाएगा, और अगर नहीं हो पाते तो विद इन एक मिनट इसका 51,000-52,000 प्राइस हो जाएगा, तो उस प्राइस में भी मिल जाए तो ले लेना, छोड़ना मत, क्योंकि पूरे साल 60,000 रुपये से नीचे आपको ये नहीं मिलने वाला। अगला सवाल है कि सेल में पेमेंट करते टाइम OTP आएगा क्या, अगर पहले से कार्ड ऐड है तो? बिल्कुल आएगा, बिना OTP के कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, चाहे कार्ड सेव हो या ना हो। अगला सवाल है कि अर्ली एक्सेस में 6 को बुक हो जाएगा क्या मोबाइल? 6 को नहीं होगा, 6 को शाम को आपको बैठना है, रात को 12:30 बजे के आसपास आपको बैठ जाना है। जैसे ही 7 तारीख स्टार्ट होगी, 7 तारीख कब स्टार्ट होगी, जब 6 तारीख की नाइट में जैसे ही 12 बजेंगे अगला 7 तारीख स्टार्ट हो जाएगी, तो उस हिसाब से आपको 6 तारीख को नाइट में बैठना पड़ेगा और बुक हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर कि BBD सेल में फोन पे से पेमेंट करूँ या SBI डेबिट कार्ड से? दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड पर हो सकता है थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाए, UPI पे डिस्काउंट मेरे हिसाब से जो प्रीपेड वाला है वही मिलेगा, अगर डेबिट कार्ड पर आपको डिस्काउंट दिखता है तो कार्ड से कर देना, क्या फर्क पड़ता है। अगला सवाल है यहाँ पर मिस्टर मयूर का, ये पूछते हैं कि अगर अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप 1 मंथ की ली तो सेल का अर्ली एक्सेस मिलेगा क्या, और क्या एवरी मंथ 299 अपने आप कट होगा? बिल्कुल, उसमें वो पहले ही पेमेंट मेथड मांग लेता है, अगले महीने जैसे ही आपकी डेट आएगी जो आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको केवल सेल करना है तो 299 रुपीज़ का पेमेंट करके भेज, तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको ट्रायल मिल जाएगा, और ट्रायल अगर आपको नहीं मिलता, आपने कभी पहले चेक कर लिया होगा उसको, तो अब इस बार ट्रायल नहीं मिलेगा, तो 299 रुपीज़ का पेमेंट करके आप प्राइम मेंबरशिप को एक्टिवेट कर लेना। उसके बाद में डेट का ध्यान रखना, डेट से 1-2 दिन पहले जो है वो आपके प्लान को कैंसिल कर देना, तो अगली जो पेमेंट है वो नहीं कटेगी और आपकी प्राइम मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। अगला सवाल है, इज आईफोन 14 प्राइस 49999 इंक्लूडेड विथ कार्ड एंड एक्सचेंज ऑफर? विथ कार्ड एंड एक्सचेंज ऑफर में से इससे भी और ज्यादा नीचे आ जाएगा, एक्सचेंज ऑफर और कार्ड अगर आप लगा लेंगे तो 45,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा, ये विदाउट कार्ड और विदाउट एक्सचेंज ऑफर का प्राइस है। अगला सवाल है यहाँ पर, ये पूछते हैं कि आईफोन 14 प्लस 256GB वाला वेरियंट कितने में मिल सकता है सर, प्लीज बताएं। iPhone 14 का 256GB वेरिएंट आप लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 58,000-60,000 के आसपास मिलेगा, 128GB स्टोरेज आप बढ़ाएंगे, 128 से 256 पर जाएंगे तो 10,000 रुपये के आसपास प्राइस बढ़ेगा, और अगर 512 पे जाएंगे तो करीब करीब 17,000-18,000 रुपये के आसपास प्राइस बढ़ेगा, तो 256GB आपको 58,000-60,000 के आसपास मिल जाएगा। अगला सवाल है कि हाय, आई वॉज लुकिंग फॉर 14 प्लस 256GB वेरिएंट, बट पास इज अवेलेबल फॉर ओनली 128GB वेरिएंट। तो 128GB वाला वेरिएंट ही ज़्यादा लोग परचेस कर रहे हैं और इसी पर सबसे ज़्यादा पकड़ रहेगी लोगों की, इसी को सबसे ज़्यादा परचेस करेंगे, तो इसीलिए जो पास है वो इन्हीं के लिए आया है। 256GB वाला वेरिएंट आपको इजीली ऐसे ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो 70,000 के ऊपर चला जाता है, तो उस हिसाब से दोस्तों बहुत कम लोग उसको परचेस करेंगे, तो आपको स्टॉक रहेगा, आराम से मिल जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों जिनके जवाब मैंने आपको दे दिए हैं, और क्रेडिट कार्ड अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए लिंक दिए हुए हैं, किसी भी बैंक का अगर आपके पास में अकाउंट है तो उस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप या वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी सवाल उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, अगले वीडियो में उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।